पे मैं मौजूद हूँ जी। पंजाब का बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह फन कबूतर परिवार में छा जाने वाला नाम। आज माशाल्लाह अगर देखा जाए ऐसे मैं एक दरख्त की बात कर रहा हूँ जिससे माशाल्लाह जो उसका फल है माशाल्लाह कई शहरों में खाया जा रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मेरी मुराद जनाब उस्ताद हमायों व्हाट्सएप ग्रुप है सियालकोट स्वीट, थोड़ा आगे आ जाओ सियालकोट स्वीट। माशाल्लाह जी एक शेर मुझे याद आया, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलों उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, परों से परवाज होती है। जी दोस्तों माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। माशाल्लाह जी पहले भी हालिया दिनों में मैंने तकरीबन आज से 8-10 दिन पहले एक छत से लाइव था। माशाल्लाह एक पंजाब का टाइटल एक यंगस्टर प्लेयर ने अपने नाम किया। उससे पहले अगर देखा जाए जेठ तो वो भी माशाल्लाह पूरा जेठ ही उस्ताद नुमान भट्ट साहब उस्ताद हमायूं भट्ट पार्टी के नाम रहा। और माशाल्लाह अभी भी हम देखें तो जिस छत पे इस वक्त मौजूद है जनाब शेखुपुरा की नामवर शख्सियत, शेखुपुरा बल्कि पंजाब की नामवर शख्सियत जनाब उस्ताद सज्जाद गुजर साहब माशाल्लाह पंजाब चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। आज माशाल्लाह जी इनके एक बड़े लाडले से शागिर्द ने माशाल्लाह जी ज़िला शेखुपुरा और ज़िला ननकाना साहब को टॉप कर लिया है माशाल्लाह जी। और इसके बाद पहले देखें दोस्तों तो पहले आ जाए थोड़ा सा माशाल्लाह दोस्तों पहला वनडे 25 तारीख बरोज हफ्ता। मैं समझता हूं कि ये पंजाब में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में छतें उड़ाई गई थी। जिला शेखुपुरा में इनके जो शागिर्द हैं जनाब दो शागिर्द थे अब्दुल्ला विरक साहब और मतीन गुजर साहब, ये दो छतें इनकी उड़ी हैं। और माशाल्लाह जी एक पे पहले नंबर पे रहा है और जो दूसरा शागिर्द है उसने दूसरे नंबर पे आया। और माशाल्लाह जो विनर कबूतर है अब्दुल्ला विरक का कबूतर जो बैठा 8:04 पे बैठा रात को। और माशाल्लाह जी मतीन गुजर माशाल्लाह जी 8:10 पे विनर कबूतर, पूरे शहर को उसने परवाज टॉप परवाज किया। और आगे आ जाए दोस्तों तीसरे दिन की तरफ, पहले दिन के तो दोस्तों बेशुमार टूर्नामेंट थे। अगर देखे तो मतीन गुजर साहब माशाल्लाह दोस्तों इन्होंने पहले दिन के तकरीबन 17-18 टूर्नामेंट थे वो विन किए। और पहले दिन की अगर अब्दुल्ला विरक की बात करें तो जिनमें ये पहले नंबर पे थे उनमें दूसरे कुछ टूर्नामेंटों में मतीन गुजर साहब नहीं थे उनमें भी माशाल्लाह अब्दुल्ला विरक साहब ने टॉप किया। और दोस्तों आ जाए हम तीसरी उड़ान की तरफ। माशाल्लाह तीनों उड़ाने बड़ी शानदार रही है और तीसरी उड़ान में भी माशाल्लाह जी उस्ताद सज्जाद गुजर साहब के शागिर्द जनाब अब्दुल्ला विरक साहब ने जी रुस्त में जिला शेखुपुरा जिला ननकाना साहब का टाइटल अपने नाम कर लिया। ये दोस्तों ये थी परवाजें। और 5 दिन का अगर देखें तो माशाल्लाह जी अब्दुल्ला विरक मैं समझता हूँ कि एक नौजवान खिलाड़ी है, इनके बारे में उस्ताद मोहतरम से पूछेंगे और अब्दुल्ला विरक के साथ भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माशाल्लाह जी ऐसा मोरा चला है कि कह ले कि माशाल्लाह जी पूरे पाकिस्तान में समझ लें कि अपना नाम कमाया इन्होंने। तो आइए जनाब हम पहले जी मैं थोड़ा सा दोस्तों को तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं जी उस्ताद सज्जाद, थोड़ा आगे आ जा उस्ताद सज्जाद गुजर साहब। और इस तरफ आ जाए जनाब उस्ताद काजम जुबैर विरक साहब और इनके पीछे जनाब शाजब भाई और जनाब तैयब विरक साहब जिन्होंने जनाब मिठू साहब की जगह ली है। मिठू साहब जरा शक्ल आगे करें जरा थोड़ा सा जनाब खलीफा फाहद बाजवा साहब, जनाब माशाल्लाह जी खलील गुजर साहब, जारा गुजर साहब और ये जी मतीन गुजर साहब माशाल्लाह। और बाकी जो इनकी सारी टीम है जनाब ये माशाल्लाह जी ये दोस्तों जी भी हाँ
अब्दुल्ला मैं तेरी कहना ना किस्मत ही खराब है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्ताद मोहतरम क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है? नहीं चल रही है ये दोस्तों जी दोस्तों सिर्फ मैं आपको सेटअप दिखाने लगा हूँ। ये सेटअप है जी अब्दुल्ला विरक साहब का जी। जी दोस्तों अभी थोड़ी सी लाइट का मसला है, लाइट जनरेटर ऑन करते हैं। ये जी जनरेटर ऑन हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल चाल है उस्ताद मोहतरम? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह जी। चैंपियन के बाद चैंपियन, चैंपियन के बाद चैंपियन, कुछ जादू की छड़ी हाथ में आ गई है। सही अच्छा जी। अच्छा सबसे पहले जी राणा खालिद साहब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं जनाब, बल्कि आपकी टीम का रुकन भी है जी। रुकन क्या सरबराह है हमारे? ये जीत राणा साहब की जीत है, सारी ग्रुप की जीत है जी। सही और ये जीत फिर मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ मैं व्हाट्सएप के नाम करता हूँ जी। चोपड़ा का टाइटल जो है वो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने उस्ताद अकरम की इज्जत करें। अच्छा माशाल्लाह जी, ये जी अब्दुल्ला विरक साहब हैं जी। उस्ताद मोहतरम क्या बात है कि आज आपका एक खोटा सिक्का आज माशाल्लाह एक चैंपियन का टाइटल नाम लिया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खोटा सिक्का? हाँ जी, ये तो सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का वो? नहीं जी बहुत अच्छा है। देखे कोई भी जीत होती है ना तो उसमें नीयत का किरदार होता है। तो नीयत वाइज ये सारे भाई अच्छे हैं। मैं 10-12 दिन यहाँ रहा हूँ और मुकम्मल इंजॉय किया है। ये सब बहुत अच्छे हैं और इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए तो इज्जत भी तभी मिलती है माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम कितना बिलीव था इस मरतबा? कबूतर भी देखे आपने तो उड़ाए भी है, कितना यकीन था ये आज के? मुझे पता नहीं है, हमारा काम है परफॉर्म करना। आगे अल्लाह पाक का काम है, वो रहमत अता फरमाए अपनी माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम कितने कपों में पहले दिन आपने जीते हैं, जो पहले दिन के जो चैंपियन बने? 10-12 कपों में, 10-12 पहले दिन के टोटल 22 कप हैं। पहले पे बीमारी, दूसरे पे बीमारी है, और एक वनडे बाद में लालू फुमन वाला, उसमें तीनों पोजीशन हमारी है। अच्छा अब्दुल्ला, दूसरा काजम वीर, अच्छा और तीसरा तीन गुज्जर, हमारे सारे ग्रुप की पूरे शहर में जीत है। और इस तरह इस पोजीशन में आना ये अल्लाह पाक की खास रहमत है कि सारे नंबरों पर हमारा नाम हो, हमारे सारा तो ये क्रेडिट जाता है हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद माही भट्ट साहब को। दूसरा हमारा ग्रुप है बाबू कदीर साहब हैं, वो सारी टीम है, उनकी मेहरबानी। वो मैं उन्हें कल भी फेसबुक पर देख रहा था तो उन्होंने बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे मैसेज किए हैं। तो ये अच्छे इंसान की निशानी होती है कि जो जूनियर प्लेयरों की हौसला अफजाई करते हैं। तो ये सारी टीम हमारी एक मुखलस टीम है। मौसम बड़ा खराब हो गया। अच्छा जी फाहद भाई आप आ जाएं जरा, माशाल्लाह कैसा आज लग रहा है जी? जी माशाल्लाह एक दफा फिर सजाद गुजर को चैंपियन देखते हुए बहुत खुशी हुई है और मैं इस सारी जीत का क्रेडिट जो है सजाद की मेहनत को देता हूँ। सजाद एक बहुत मेहनती और होनहार उस्ताद है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि कबूतर को समझना और परखना, दुराने उड़ान और दुराने परवाज, वो सजाद से कम ही है किसी के पास, क्योंकि मेरी जहाँ तक पहुँच मेरी सजाद तक ही है। चेतर में भी इसके साथ टाइम गुजारा है माशाल्लाह, इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद बैसाख में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जेठ में हमने शौक नहीं किया। तो उसके बाद अभी ये असू की बारी आई, राशिद गुजर पंजाब चैम्पियन वनडे हुआ, वो उसके फाइनल फिर में तीन कबूतर मेन बहादुर चले गए जिस वजह से उसका रिजल्ट नहीं आ सके। ये सारा क्रेडिट जो है सजाद गुजर की मेहनत और उसके बाद इसके ऊपर उस्तादों की रहनमाई, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, उस्ताद माइयों भट्ट साहब, माशाल्लाह उनका सारा क्रेडिट है जी। उनकी जीत है, उनके सब
माशाल्लाह जितने भी पार्टी के हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं सब माशाल्लाह कहीं ना कहीं जिधर भी हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आइंदा भी इसी तरह कामयाब करता रहे। मैं अपनी अपनी गेम के बारे में बताना चाहूँगी तो कादम वाली छत पर माशाल्लाह बिल्कुल हमारी परफॉर्मेंस जीरो थी, कबूतर बिल्कुल चले गए थे, लो बिल्कुल कबूतर हमने उड़ाए थे जो कि 11, 12, 1 बजे वाले। तो माशाल्लाह सजाद ने कहा आप लोग मेहनत करो इंशाल्लाह परफॉर्म, और उन कबूतरों से परफॉर्म सजाद ने करवाया, यानी कि जो मैं समझता था कि कर भी नहीं सकते। और आज फाइनल फड़क में यानी कि पहला कबूतर ही 5 बजे जा बैठा, सातवीं मादी नहीं बैठी, नहीं तो माशाल्लाह आज बेस्ट एवरेज कर हमने टाइटल लेना था। बाकी एक दफ़ा फिर मैं सारी इस जीत का क्रेडिट उस्ताद साहबान को, बाऊ कदीर साहब, उस्ताद हमायूं भट्ट साहब जो हमारी रहनमाई करते हैं, हमारे लिए दुआ गो हैं हमारी कामयाबी के लिए। बड़ों की रहनमाई, बड़ों की दुआओं के बगैर कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता, और सजाद को इसी चीज़ का क्रेडिट मिलता है, ये अपने बड़ों की बहुत इज्जत करता है। बिल्कुल सजाद गुजर जी शेखपुरा का चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन है, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं इसके साथ हैं, ये हमेशा से बार बार जिस छत पर भी परफॉर्म करेगा ये इंशाल्लाह चैम्पियन ही करार पाएगा माशाल्लाह। इसकी मेहनत जो है बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। चैम्पियन खड़े हैं आपके साथ, मतीन गुजर खड़ा है, अब्दुल्ला विरक है, सजाद गुजर बताते खुद है। ये कबूतर है जी, इसकी सारी फितें हैं 5 बजे के बाद हैं। अच्छा, तो ये मेरा फेवरेट कबूतर है अब्दुल्ला की छत पे। यार एक डाकू डाकू तुसी कबूतर कर दें दे, वो ज़्यादा शौक करवा दे। घोड़ा डाकू चल गया इंस्पेक्टर है इसकी। 3 घंटे बनाए इन्हें, 15 मिनट 8:04 ही बैठा था पहले दिन। लल भाई क्रश है बस है पट्ठे दी भैन, ये भी माशाल्लाह 6 बजे तो पार 4 फिट तक बैठी है माशाल्लाह। 6 बजे तो बाद किनिया फिरते हैं, 5-4 ये 200 माशाल्लाह मादी, ये 200 माशाल्लाह जी, 5 में से 4 फिरते हैं 6 बजे के बाद। ये दोनों बहन भाई हैं जो 8:04 पे बैठा था ना। अच्छा ये दोनों माशाल्लाह जी। अब्दुल्ला साहब तुसी आओ जरा सामने। अच्छा जी हाँ जी तैयब साहब माशाल्लाह जी, कैसा लगा जी चैंपियन का टाइटल? बड़ी खुशी हुई है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उस्ताद ने इतनी मेहनत की है कि हमारी सोच भी नहीं थी, दिन रात मेहनत की है, सारी रात भी तो रहना, रात को 3 बजे जाना, सुबह 6 बजे फिर आ जाना, 2 घंटे उस्ताद ने सिर्फ सोना। सही, तो माशाल्लाह बहुत मेहनत की है कि हम खुद हैरान हो गए हैं। सही, तो अल्लाह ने इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जब उस्ताद मोहतरम यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए कबूतर उड़ाने के लिए, कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े उस्ताद हैं, हमारी छोटी सी छत है तो उन्होंने मेहनत की है, उसका अल्लाह ने सिला दिया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कप पहले दिन 22 कप थे टोटल हमारे, तो 22 में से 12 कप सिंगल थे, उनमें से फर्स्ट पोजीशन मतीन गुजर की आई है, सेकंड पोजीशन हमारी थी 12 कपों में। उसके बाद 3 रोज़ा कप थे, 6 3 रोज़ा कप थे। अच्छा, तो उनमें चैम्पियन अब्दुल्ला ही हुआ है, हमारी छत है ये। तो उसके बाद 2 कप थे 4 रोज़ा, वो भी चैम्पियन हम ही हुए हैं। और उसके बाद ये 5 रोज़ा शेखपुरा के जो बड़े मतलब के सारे खिलाड़ी थे ना, बड़े कप थे जो शेखपुरा के, 5 पंजाब खेलने वाले जो पंजाब खेल रहे थे सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन हुए हैं। बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि शेखपुरा का टाइटल जीते हैं हम, और ये उस्ताद की सारी मेहनत है, इनकी बदौलत सब कुछ हुआ है माशाल्लाह जी। ये उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला साहब कैसा थानू लग रहा है तुसी माशाल्लाह के? बहुत ज्यादा मौसम खुशी हो रही है, ते मैं ते गली मोहल्ले दा प्लेयर सा। अच्छा, अगर आई मेहरबानी है कुछ लोग ना आंदे सा के उस्ताद री इत्थे तैयारी होंदी ने उत्थों बाजियां लाउंदे ने, इत्थे वेलो कोई तैयारी नहीं सी है, ठीक है, तिन्ना घणा बाजी सी ते बाजी भी जित्ते आ,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਘਮੇਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਤੀਨ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 17 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 85 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 50 ਮਿੰਟ ਬਣੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਟਾਪਰ ਹੋਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੀ ਮਰਤਬਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਸੀ ਯੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਸੀ ਤੋ ਇਸਕੋ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤ ਪੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੋ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਆਪ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਰੱਖੇਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਆਪ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਕੋ ਯੇ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਜਬ ਆਪ ਸੋਚੇਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਹਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਹੀ ਜੀਤ ਕੇ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦਾਵਰ ਭਾਈ ਆਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦਾਵਰ ਭਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਰ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ये जी मैं थोड़ा सा आपको छत का व्यू दिखा दूं सनी भाई को जी सनी भाई नसेर सारे थे आज ये जी माशाल्लाह सारे कजन सारी इनकी टीम बाबा जी शेखपुरा लैन दाई जी अस्सलाम वालेकुम सनी भाई क्या हाल है माशाल्लाह जी पंजाब जिला शेखपुरा का टाइटल कैसा लगा जी आपको जी रब दा बड़ा शुक्र है जी मालिक दा अच्छा सानू इतनी उम्मीद नहीं सी रब ने बड़ी इज्जत दी है जी ते उस्तादा दी मेहनत दी साडे ना साडे कबूतर इस लेवल दे ना असी इस लेवल दे सही साडे उस्तादा ने कीती जी दिन रात मेहनत उना सानू जी सिला मिलया माशाल्लाह उस्ताद नु असी जी अग्गे ही बड़ा मानदे सा ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਡਾਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੀ ਜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਸੀ ਜੁਗਲ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹੈ ਚਾਚੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਡਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਦਾ ਵਿੱਚ ਆਟ ਕਿਹਦਾ ਲਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਆਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਕ ਕਰਾ ਆਪੀ ਸਲਾਮ ਇਧਰ ਰੁਕ ਰਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜੀ ये देखिए जी कबूतर का प्यार। ये दोस्तों वो मादा जो 6 बजे के बाद माशाल्लाह 6 बजे के बाद ये जी माशाल्लाह ये माता जो 206 बजे के बाद आज भी कबूतर केड़ा कबूतर है की नाल अच्छा माशाल्लाह जी ਵਿਆਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਠੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 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 ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਵਜੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੀਕ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਰੱਬ ਪੂਰੇ ਕਰਾਕੇ ਪਵਾਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਕਬੂਤਰ ਮੀਡੀ ਬਣਾ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਠਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਪੱਠੀ ਪਖਾਂਦਾ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਗਦਾ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ 11 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਲਗੜਾ ਡਰਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਦ ਹੈ ਛਿਹੱਤਰ ਘੰਟੇ ਅੱਗੋ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:14 ਤੇ ਫਿਰ 6:27 ਤੇ 6:30 ਤੇ 6:44 ਤੇ 8:04 ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 8:04 ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
ये दोस्तों ये परिंदा जो है ये 8:04 पे माशाल्लाह बैठा है, ये वाला चेक करें दोस्तों, इसकी फिजीक चेक करें। अक्सर मैं दोस्तों से कहता हूँ कि जो चैंपियन कबूतर आते हैं उनको देखा करें, क्योंकि उनसे कुछ देखने से कुछ मिलता है। कबूतर एक खुद किताब होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन कबूतरों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से कबूतर हैं जो चैंपियन हुए हैं, क्योंकि अगर हम चैंपियन कबूतर को फॉलो करेंगे तो चैंपियन की पहचान हम सीखेंगे ना। माशाल्लाह जी बहुत ही नजाब को। तो दोस्तों कबूतरों की इनका जिस्म चेक करें, मांस वाइज जीरे कबूतर की ये थोड़ा सा मोटा कबूतर है, तो बाकी आप इनके पूरे जिस्म चेक करें आप, ये माशाल्लाह जी पूरा आप जिस्म इनका चेक करें, माशाल्लाह क्या कमाल है, पूरे एथलीट कबूतर हैं। तो मेरा ख्याल है आगे भी अगर इनको उड़ाना चाहें तो ये परफॉर्म करेंगे। ये जी इनका घोड़ा कबूतर जो उतरने लगा है, नेड़े कर लेना लो लड़ पे ना। ये जी दोस्तों माशाल्लाह जी अच्छा सेटअप है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आएंगे दिन के वक्त तो इनके जो ब्रीडर कबूतर हैं उस्ताद मोहतरम के उनसे भी बात करवाएंगे। तो अभी इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, तो हाँ जी हाँ जी भाजी जी जेड़ा कोई नारा रह गया थोड़ा वो तुसी लाओ भी ला दियो, मेरी सारे गल सुन लवो, नारा बजे ते परले महल्ले तक आवाज जावे, नहीं ते मैं फिर गाल पा देनी जे तास दाल हादर गुजर तो जी दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ किसी चैंपियनशिप से लाइव आदर होंगे। अल्लाह हाफिज़।